निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल तथा निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर के निर्देश पर स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में एवं सभी जोन आयुक्त के माध्यम से भिलाई निगम क्षेत्र में अब तक स्वास्थ्य विभाग एवं गठित विशेष टीम के द्वारा लगभग 1,00,000 घरों का सर्वे जल जनित बीमारियों की रोकथाम एवं डेंगू नियंत्रण के लिए किया जा चुका है। निगम क्षेत्र में जल जनित बीमारियों एवं डेंगू नियंत्रण के लिए विशेष टीम गठित की गई है। इस विशेष टीम में वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी के सिंह के नेतृत्व में प्रतिदिन अभियान चलाया जा रहा है। 1 जून से सर्वे प्रारंभ हुआ था, अब तक लाखों घरों का सर्वेक्षण हो चुका है। डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए भिलाई निगम ने लगभग 10,000 घरों में टेमीफॉस के बॉटल का वितरण किया है। वहीं निगम ने विशेष दल का गठन भी सर्वेक्षण के लिए किया है, जो कि प्रतिदिन सर्वे करते हुए जल जनित बीमारियों की रोकथाम व नियंत्रण के लिए उपाय अपनाते हुए जन जागरूकता का प्रचार प्रसार भी कर रही है। पीलिया के नियंत्रण के लिए 74,430 घरों में क्लोरीन टेबलेट का वितरण किया जा चुका है। निगम की टीम घर घर में जल जनित बीमारियों के नियंत्रण पर रोकथाम के लिए पहुंच रही है। 58 वार्डों में अब तक विशेष अभियान चलाया जा चुका है। 10,140 घरों में कूलर एवं टंकी, कंटेनर एवं विभिन्न भरे हुए पात्रों को खाली कराया जा चुका है। इधर जल जमाव होने वाले स्थानों पर मलेरिया ऑयल एवं जला हुआ ऑयल का छिड़काव किया जा रहा है। डेंगू के लार्वा को पनपने नहीं देने निगम ने पुख्ता तैयारी कर रखी है। मच्छरों के खात्मे के लिए मेलाथियाइन का स्प्रे भी किया जा रहा है। वहीं फॉगिंग मशीन की सहायता से मच्छरों को नष्ट किया जा रहा है। बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए ब्लीचिंग एवं चूना का छिड़काव भी किया जा रहा है। वहीं जागरूकता के तहत पॉम्पलेट का वितरण भी किया जा रहा है तथा नालियों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, हमने जून में जो है जल जनित बीमारी और डेंगू की रोकथाम के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिए थे। उसी टाइम में हमने सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया था और टारगेट लेके चले थे कि जो हर घर है वहाँ टेमीफॉस की बॉटल निगम भिलाई जो है उसके माध्यम से पहुँच जाए। माननीय महापौर जी ने जो है जल जनित बीमारी को नियंत्रण के जो जितने भी रोकथाम है उनके निर्देश दिए हुए हैं। इसी तारतम में जो है माननीय आयुक्त महोदय भी माननीय विजिट कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का अमला जल जनित बीमारी और डेंगू की रोकथाम के लिए लगा हुआ है। पीलिया से बचाव के लिए जो है हमने क्लोरीन टेबलेट का वितरण घर घर किया हुआ है। इसके अलावा टेमीफॉस के जो बॉटल हैं वो हम 95,000 घरों में वितरित कर चुके हैं और जहां छूटे हैं उनको भी हम सर्वे के दौरान अभी वितरण कर रहे हैं। जहां पे टेमीफॉस की बॉटलें ख़त्म हो गई वहां रिफिलिंग का भी काम चल रहा है। इस प्रकार से जो जहां पे गंदगी है वहां पे ब्लीचिंग चूना का छिड़काव, जहाँ पे मच्छर का प्रकोप बहुत ज़्यादा है वहाँ पे फॉगिंग और मेलाथियन स्प्रे का उपयोग, ऐसा इस प्रकार से जो सर्वेक्षण टीम भी, इसके लिए विशेष सर्वेक्षण टीम भी है जो प्रतिदिन घर घर जाके सर्वे करती है, पाम्पलेट वितरण करके जन जागरूकता प्रसारित करती है, पानी उबाल के पिए, छान के पिए, इस सारी चीज़ों के बारे में जो जानकारी दिया जाना चाहिए वो देती हैं। इस प्रकार से हमने 1,06,000 घरों का जो है वो सर्वे अभी तक कर लिया है और आगे भी अभी अभियान जो है वो जारी रहेगा और डेंगू को रोकथाम करने के लिए जो है कूलर का जो पानी भरा हुआ होता है, पुराने पात्र जो होते हैं उनको खाली कराए जाने का काम चल रहा है। टेमीफॉस का उपयोग उसमें किया जा रहा है। जहां भी लार्वा जैसे जल जमाव वाले क्षेत्र वहां पे मलेरिया आयल और जल आयल का छिड़काव किया जा रहा है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम एवं डेंगू नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग का अमला प्रत्येक क्षेत्रों में तैनात होकर कार्य कर रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।